अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सलमान हुसैन है और इस वीडियो में हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो फर्स्ट ईयर का बच्चों को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। 70% बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि टॉपिक होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम गलतियों को करेक्ट करते हैं, गलतियों को सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं। आज की वीडियो में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आज की वीडियो से के बाद वीडियो देखने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द बीआरएस, इस सवाल के आप काबिल हो जाएंगे। व्हाई डू वी नीड बीआरएस, हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन की जरूरत भी पड़ती है, ये सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बैंक जनरेट बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक बनाता है या कंपनी बनाती है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और व्हेन वी डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक क्रेडिट आवर अमाउंट व्हाई, जब हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में अमाउंट, तो बैंक हमारे अमाउंट को क्रेडिट करता है क्यों, तो ये आपके जो सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारी गलतियों को इंप्रूव करने के लिए कंपनी बनाती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन बैंक नहीं बनाता, कंपनी बनाती है। बनाने की पीछे खालिस वजह, जो बेसिक वजह, वो ये होती है कि कंपनी के पास दो रिकॉर्ड होते हैं, एक अपने पास रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है बैंक के पास। जो अपने पास रिकॉर्ड होता है उसकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है कंपनी कैशबुक के अंदर, और जो रिकॉर्ड बैंक के पास होता है बैंक करता है पासबुक के अंदर। अब अक्सर ये होता है कि कंपनी के पास जो शो हो रहा है कैशबुक के अंदर बैंक कॉलम में जो अमाउंट, वो बैंक के अंदर जो मौजूद अमाउंट उससे डिफरेंट हो जाता है। जब वो अमाउंट डिफरेंस होता है, अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, मेरे अल्फाज में ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं अमाउंट जब बैंक स्टेटमेंट का और कैशबुक के बैंक कॉलम का अमाउंट जब मुख्तलिफ होता है, तब कंपनी बनाती है बैंक रिकॉन्सिलेशन। क्योंकि अगर अमाउंट बराबर है तो जरूरत नहीं बैंक रिकॉन्सिलेशन की, क्योंकि बेसिकली मतलब क्या है इसका, गलतियों को सुधारना। जब अमाउंट बराबर है तो कोई गलती है नहीं, बिल्कुल सही बात, गलती ही नहीं है, तो इसको बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बैंक के अंदर अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए लेट सपोज, और हमारे पास हमारे हिसाब से बैंक में होने चाहिए 1.5 लाख रुपए, अब क्या होगा, डिफरेंस आ रहा है, या तो यहां पर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया या तो वहां पर कम रिकॉर्ड हुआ है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए बनता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्लियर हो गया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपनी बनाती है अपनी गलतियों को सही करने के लिए, क्योंकि बैंक से तो गलती हो नहीं सकती। कुछ एरर आते हैं जिसके बारे में बात करूंगा आपसे इस कॉन्सेप्ट के बाद, आगे चलते हैं। व्हाई डू वी नीड बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर बैंक के अंदर अमाउंट हमारे शो हो रहे हैं 5 लाख रुपए और हमारे हिसाब से बैंक में होने चाहिए 8 लाख रुपए, और लेट सपोज आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो, आपका मालिक तो आपको भाई बोलेगा कि ये क्या बात हुई है कि वहां पे जो है अमाउंट इतना होना चाहिए, इतना अमाउंट होना चाहिए। क्या लेट सपोज आपके मालिक ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराए बैंक के अंदर और आपके पास डेटा शो हो रहा है 4 लाख रुपए का, तो आपका ओनर बोलेगा भाई पैसे गए कहां पे, तो उस पैसे को मालूम करने के लिए डिफरेंस आ क्यों रहा है। जैसे मैंने आपसे भी कुछ देर पहले कहा कि जब डिफरेंट आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, इक्वल नहीं होगा, टेली नहीं होगा, तो बनेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये मालूम करने के लिए, बीआरएस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमने गलती कहां की है। अगर पता नहीं चलेगा तो वो अमाउंट तो हमारा पूरा गायब ही हो गया ना। आप अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी के ओनर हैं, तो आपको पता होगा कि जब 2 रुपए 3 रुपए का फर्क आता है तो ओनर और अकाउंटेंट परेशान हो जाते हैं कि यार गए कहां 2-3 रुपए, तो यहां तो लाखों करोड़ों की बात हो रही होती है। बहरहाल आगे चलते हैं। बैंक जनरेट बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं, जैसा कि मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया है कि बैंक बनाता है बैंक स्टेटमेंट पासबुक को देखते हुए और साल के एंड में भेज देता है बैंक स्टेटमेंट कंपनी को। कंपनी बैंक स्टेटमेंट को अपने कैशबुक के बैंक कॉलम से टैली करती है, बराबर आ रहा है अमाउंट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट मौजूद है वो अमाउंट कैशबुक के बैंक कॉलम में जो अमाउंट शो हो रहा है, रिसीव साइड की बात में कर रहा हूं, वो डिफरेंस है, उसमें फर्क आ रहा है, तो फिर कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी का कैशियर बनाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। When we deposit amount, bank credit our amount हुआ है। जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमारे अमाउंट को क्रेडिट क्यों करता है। आमतौर पर तो होता यह आया है कि हम जो पैसे जमा करवाते हैं या जो पैसे हमारे पास आते हैं हम डेबिट कर देते हैं और जाते हैं क्रेडिट कर देते हैं। मेरी पहली वीडियो में मैंने क्लियर किया कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल मैंने डिफाइन किए गए, अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बैंक में अपना ही पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक क्रेडिट क्यों करता है, उसकी वजह ये होती है। एक मिसाल ले लीजिए, आपका एक दोस्त है आमिर, आपने आमिर को 5 लाख रुपए जमा करवाए और कहा भाई कि 5 लाख रुपए अपने पास रखो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी 2-4-6-8-10 महीने बाद मैं आके तुमसे ले लूंगा। आमिर क्या एंट्री बनाएगा, कैश डेबिट
अकाउंट पेएबल क्रेडिट, क्यों? अमेरिकी इनकम नहीं है ये, अमेरिका के पास आपने ऐसा अमानत ऐसा सिक्योरिटी रखवाया है ना। अब इस तरह कंसिडर करो कि जो आमिर है वो बैंक है, जब आप जाके पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक के पास तो पैसे आ रहे हैं, आपके पास से पैसे जा रहे हैं। अब आप बैंक की तरफ आके सोचो, बैंक के पास तो पैसे आ रहे हैं, बैंक कैसे बनाएगा कैश डेबिट अकाउंट पेएबल आमिर सलमान शहजाद या जो भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा उसके नाम से क्रेडिट कर देगा कैश डेबिट। लेट सपोज 5 लाख रुपए जमा करवाए मैंने, बैंक एंट्री बनाएगा कैश डेबिट 5 लाख रुपए से और अकाउंट पेएबल 5 लाख रुपए से सलमान का क्रेडिट। अगर मैंने 5 लाख रुपए जमा करवाए, अगर 2 लाख रुपए जमा करे बैंक एंट्री बनाएगा कैश डेबिट 2 लाख रुपए से और अकाउंट पेएबल सलमान 2 लाख रुपए से क्रेडिट। ऐसा ही इसलिए बैंक क्रेडिट करते हैं हमारे अमाउंट को, इसलिए मैसेज भी आता होगा आपके पास जब आप पैसे जमा करवाते हैं बैंक में, तो आता होगा पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिटेड इन यूर अकाउंट, और जब आप विड्रॉल करते हैं तो मैसेज आता है पार्टिकुलर अमाउंट डेबिटेड इन यूर अकाउंट। जब अकाउंट पेएबल कम हो जाता है तो उसको बैंक डेबिट कर देते हैं। ये आगे कुछ बेसिक फंक्शन है। कैशबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है हमारे लिए फेवरेबल होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैशबुक के अंदर हमारा जो मैकेनिज्म होता है सिंपल होता है, कैश आ रहा है डेबिट जा रहा है क्रेडिट। अगेन रिपीट मेरे साथ रिपीट कीजिए, कैश आ रहा है डेबिट कैश जा रहा है क्रेडिट, अगेन कैश आ रहा है डेबिट कैश जा रहा है क्रेडिट, जो जल्द जल्द में एंट्री बनाते हैं। लेकिन बैंक के अंदर ये रिवर्स है, उल्टा सिस्टम है, कैश आएगा तो बैंक क्रेडिट करेगा, क्यों करेगा अभी बताया मैंने आपको, और जब कैश आप निकालेंगे तो डेबिट कर देगा। इसीलिए डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल पॉजिटिव, कैशबुक की बात कर रहा हूं मैं, क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल नेगेटिव, कैशबुक की बात कर रहा हूं मैं। कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है। क्यों है? डेबिट बैलेंस का मतलब है कैशबुक के हिसाब से कैश आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कैश जा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब भी आपके पास सवाल आएगा और लिखा हुआ आएगा डेबिट बैलेंस है कैशबुक का, आप क्या करेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। जब कभी सवाल आया लिखा हुआ हुआ कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है, आप क्या करेंगे? नेगेटिव कर देंगे। आगे चले, ठीक। बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक स्टेटमेंट आएगा आपके पास उसका डेबिट बैलेंस होगा तो आपके लिए अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल क्यों? इसका मतलब है निकाल नहीं पैसे सारे के सारे आपने, आप नेगेटिव में चल रहे हैं, आपका अमाउंट डेबिट का मतलब ये है कि लॉस, क्योंकि उल्टी मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे। क्या आपने बैंक से लोन ली थी, आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को ताकि वो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर अपना जो उनकी ट्रांजेक्शन होती है वो कर सकें। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज कर रहा होता है। अगेन ओवरड्राफ्ट एक छोटी फैसिलिटी होती है, कम अमाउंट होता है। ओवरड्राफ्ट बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है ताकि जो करंट अकाउंट होल्डर नॉर्मली बिजनेसमैन होते हैं तो अपने ट्रांजेक्शन को चला सकें। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। अगेन ये नेगेटिव बैलेंस होता है क्योंकि लोन आप कब लेते हैं? जब पैसे आपके पास नहीं होते आमतौर पर। तो ओवरड्राफ्ट भी आपके पास जब आएगा तो आप नेगेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट तो आपका फेवरेबल होगा, पॉजिटिव कर देंगे। ये कॉपी कर लेना, फिर हम आगे बात करते हैं।